Hello students, welcome to my channel. Today I am going to continue with class 12th history chapter 1. Name of the chapter is Bricks, Beads and Bones. इससे पहले भी मैं एक पार्ट इसका अपलोड कर चुकी हूँ और इसमें काफी सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कुछ कंटेंट बचा हुआ था तो मैंने आज उसमें इस वीडियो में उसको कवर किया है और उसके साथ साथ मैंने 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप पूरा वीडियो देखना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास ऑन ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेट पाथ, ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच वर डिस्कवर्ड एट हरप्पा एंड आई ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस काइंड ऑफ बीड्स, what kind of material was used or what kind of agricultural technique was used by the people at Harappa. So today I am going to discuss about the importance of seals and sealings. Ki seals and sealings kaise important the. Jaise koi bhi kisi bhi tarike ki jo trade activity hoti thi to agar ek jagah se dusri jagah pe saman bheja jata tha to seal ko ek bahut hi important aspect mein yahan pe use kiya jata tha. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. और सेकेंडली जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे एंड स्पेशली जब लंबा डिस्टेंस कवर करते थे तो सील्स एंड सीलिंग्स को यूज किया जाता था. हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग. ये जो सील्स होती थी इन सील्स में कुछ लिखा हुआ होता था क्योंकि अगर आप किसी कोई भी अगर किसी के साथ कुछ एक्सचेंज कर रहे हो तो उस जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस होता था और उस वक्त फोन और ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती नहीं थी तो अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसपे एक वो सील लगी हुई होनी जरूरी होती थी. तो उसपे कुछ ना कुछ लिखा होता था. क्या लिखा होता था? प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. जिसने वो भेजा होता था या जिसका वो सामान होता था उसका वहां पे टाइटल या नाम लिखा हुआ होता था. मोटिव्स वर ऑल्सो यूज टू कन्वे टू दोज हु कुड नॉट रीड. अच्छा, अब ऐसे भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो उन लोगों को कैसे कन्वे किया जाएगा जो भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है. तो उसको कन्वे करने के लिए डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हो डिजाइन्स यूज किए जाते थे. मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट. जो भी उसके ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था या जो भी उसके ऊपर लिखाया जाता था वो बहुत शॉर्ट होता था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता था. द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस. लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी सील थी जिसके ऊपर साइन बने हुए थे वो 26 थे, जो लॉन्गेस्ट सील थी. यहां से भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपको बनता है दैट हाउ मेनी साइंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन द लॉन्गेस्ट सील. सो यू कैन राइट दिस आंसर 26 साइंस. इट हैड टू मेनी साइंस. द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. और एक यहाँ पे खास बात है, जो राइटिंग का स्टाइल था वो था राइट टू लेफ्ट. लाइक दिस इज माई राइट, so if I start writing like this, so right to left. Writing has been found on a variety of objects. इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट थे उनके ऊपर भी इस तरीके की लिखाई पाई गई है. सो दिस इज हाउ सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज. इसके साथ साथ जब भी कोई गुड्स एक्सचेंज की जाती थी तो वहां पे वेट्स यूज किए जाते थे. अभी भी यूज किए जाते हैं, मतलब शुरू से ही यूज किए जाते रहे हैं. सो किस तरीके के ये वेट्स थे या मेजर्स थे जिनसे कुछ मेजर किया जाता था? So you can say that exchanges were regulated by a precise system of weights. बहुत ही बनाया नपा तुला एक सिस्टम था वेट्स का जिसके थ्रू एक्सचेंजेस किए जाते थे. दीज आर मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चेर. और ये एक खास तरीके के स्टोन से बने होते थे जिसको शर्ट बोलते थे और चर्ट बोल सकते हैं. जनरली क्यूबिकल इन शेप विथ नो मार्किंग्स. क्यूबिकल इन शेप, क्यूब की शेप में होते थे जनरली और उसके ऊपर लेकिन कुछ मार्किंग नहीं होती थी. सो वेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. किसी भी तरीके का अगर एक्सचेंज किया जाता था तो उसके लिए वेट्स भी जरूरी थे. नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एंशियंट अथॉरिटी. नाउ वी हैव सीन दैट देर वर सो मेनी एक्टिविटीज विच हैपेंड अमंग पीपल इन यू नो दिस सिविलाइजेशन. अब अगर इतने सारे लोग वहां पे रहते थे और डे टू डे उनकी एक्टिविटी चलती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, ट्रेड होता था, गुड्स फॉर एक्सचेंज, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पे जाके सेटल हो जाते थे, तो अगर ये सारी चीजें हो रही थी तो जरूर वहां पे कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी भी रही होगी जो डिसीजन लेती होगी. या तो कोई सिंगल रूलर रहा होगा, और अगर सिंगल रूलर नहीं रहा होगा तो कुछ लोग होंगे जो मिलके डिसीजन लेते होंगे कि लाइफ को कैसे रेगुलेट किया जाना था. या वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज थी, अब जैसे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में मटीरियल कहाँ से लाया जाएगा, मटेरियल लाने के बाद उसको कहाँ इकट्ठा किया जाएगा,
कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, वर्कर्स कौन लगेंगे जो उसमें काम करेंगे, तो ये जो सारे के सारे डिसीशंस थे इनसे रिलेटेड कोई ना कोई अथॉरिटी होनी जरूरी थी. सो देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीशंस बीइंग टेकन इन हरप्पन सोसाइटी. काफी तरीके के कॉम्प्लेक्स डिसीजन हरप्पन सोसाइटी में लिए गए होंगे जैसा कि पता चला है एविडेंसेस से. फॉर एग्जाम्पल द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स. जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जो भी आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, चाहे वो डिफरेंट साइट्स पे भी पाए गए हैं, डिफरेंट जगहों पे पाए गए हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी थी उनका बनने का स्टाइल था, उनका जो एक डिजाइन था उसमें कुछ सेमनेस पाई गई. नेक्स्ट इज सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजंस. ये जो सेटलमेंट्स बसाई गई थी, मतलब मान लो जैसे हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई मटेरियल उनको लेना था, प्रोक्योर करना था, तो कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे वो मटेरियल पाया जाता था, तो यहां से एक एक्सकेवेशन जाती थी या लोग जाते थे और उन लोगों को वहां पे सेटल किया जाता था. तो ये जो सेटलमेंट्स थी वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती थी. मतलब सोच समझ के किया जाता था कि उस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये वाली चीजें हैं, इन रीजंस की वजह से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एंशियंट अथॉरिटी भी रही होगी. लेबर वॉज मोबिलाइज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन. अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती थी तो लेबर को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था. तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, इन रीजंस की वजह से लगता है कि कोई ना कोई एंशियंट अथॉरिटी वहां पे रही होगी. ऑल्दो आप ये मतलब जो भी हमने यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिनसे क्लियरली ये इंडिकेशन मिले कि कुछ लोग पावर में रहे होंगे. मतलब पावर थी कि नहीं लोगों के पास, वो इंडिकेशन नहीं मिले हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, एक बड़ी सी बिल्डिंग पाई गई मोहनजोदाड़ो में जिसको लेबल किया गया एज अ पैलेस. सिमिलरली अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग. और एक ऐसा स्टैचू भी पाया गया जिसको देखने से लगता था कि वो और जो दूसरे स्टैचू थे उनसे डिफरेंट था. सो उसको प्रीस्ट किंग का इंडिकेशन मिला कि प्रीस्ट किंग का लेबलिंग की गई उसको. सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड एवरीबडी हैड इक्वल स्टेटस. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि कोई रूलर नहीं था और सब जो थे वो इक्वल स्टेटस पे थे. बट अदर्स फील देर वॉज नो सिंगल रूलर बट मे बी देर वर सेवरल रूलर्स. कुछ का मानना है कि हो सकता है एक रूलर ना रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा रूलर रहे हो. कुछ का ये कहना था कि शायद देर वॉज अ सिंगल स्टेट. तो इन सब रीजंस की वजह से ये सारे क्वेश्चंस उठाए गए और एनालाइज किए गए. नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, या जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, उन्होंने किस तरीके से इसको एनालाइज किया और कैसे आगे बढ़े. द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. देयर इज एविडेंस दैट By 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in the region such as Cholistan had been abandoned. तो काफी सारी जो sites थी वो abandoned हो चुकी थी, मतलब लोग वहां से छोड़ के जा चुके थे. और in the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been a transformation of material culture. ओके, यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि इस टाइम पीरियड तक आते आते पहली बात तो बहुत सारी जो हरप्पन साइट्स थी वो अबेंडन हो चुकी थी. उसके अलावा अगर कुछ ऐसी हरप्पन साइट्स थी जहां पे लोग आके बसे या और लोगों ने कंटिन्यू भी किया, उसको ऑक्यूपाई किया, लेकिन जो कल्चर था, मटेरियल कल्चर, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था. मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया हरप्पा के लोगों के बारे में, इस सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, कि किस तरीके के एग्रीकल्चर टेक्निक वो यूज करते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से बीड्स बनाते थे, और जो भी उनका मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज थी उसमें डिफरेंस पाया गया बाद वाले जो लोगों ने वहां पे सेटलमेंट की उसमें. दीज चेंजेस माइट हैव अकर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स एटसेट्रा. अब ये जो चीजें हुई, ये चेंज जो आया, मतलब लोगों के खान पान में या लोगों के मटेरियलिज्म में ये जो चेंज आया वो क्यों आया. शायद ऐसा जो होता रहा है हमेशा नेचर में कि नेचुरल प्रोसेस की वजह से, नेचुरल चेंजेस की वजह से भी बहुत सारे जो हमारी लाइफ के तरीके हैं उनमें बदलाव आते हैं. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, बाढ़ आने की वजह से ये शायद सारे चेंजेस हुए होंगे. बट सम ऑफ दीज कॉजेज मे होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन.
लेकिन जो भी कारण हम डिस्कस करते हैं ये वाले, जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की हर जगह की जो सेटलमेंट थी या हर साइट के ऊपर वो लागू हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने तो जो भी एविडेंसेस पाए गए हैं उनके बेसिस पे इसको एक निटिंग की है, मतलब एक इसको वीव किया है एक तरीके से। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हाउ डिड दे क्लासिफाई देयर फाइंडिंग्स। जो भी उन्हें मिलता था उसको वो क्लासिफाई कैसे करते थे। लेट्स नाउ डिस्कवर हाउ द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। सो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ डिफरेंट डायरेक्टर जनरल्स of Archaeological Survey of India. So let's start with the first one, Cunningham. When Cunningham, the first Director General of ASI, began archaeological excavations in the mid-19th century, archaeologists preferred to use the written records as a guide to investigations. तो जब कनिंगम ने सबसे पहले ये शुरू किया 19th सेंचुरी में, तो उस वक्त जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऐसे वाले एविडेंसेस को प्रेफर किया जो रिटर्न फॉर्म में थे। Cunningham used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited this subcontinent. Time time पे जो China से Buddhist pilgrims यहाँ आए थे और उन्होंने जो written records छोड़े थे उनको उन्होंने use किया। He also collected, documented and translated inscriptions found during the surveys. ये जब जो भी survey किए गए, इन survey के दौरान जितने भी inscriptions मिली उसको उन्होंने, उसने collect किया सबको, documentation की on record किया सबको, listing down किया और उनको ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट वॉज द रोल ऑफ आर ई एम व्हीलर। ही बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इन 1944। ही रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन डिगिंग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से, तो ऐसे वाली जो खुदाई होती है, और यूनिफॉर्म मीन्स कि सेम उसमें आप चल रहे हैं और उसको आप उसको ही ट्रस्ट उसमें से एविडेंसेस को ट्रेस आउट करने की या एक्सक्यूवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो व्हीलर थे, व्हीलर ने इस बात को यहाँ पे पहचाना कि इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टली किया जाएगा, यूनिफॉर्म तरीके से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई थी, अगर उसको एक्सक्यूवेशन किया जा रहा था तो उससे उनको लग रहा था कि ज्यादा फायदा नहीं होना था, और उनका मानना था कि जो भी माउंड यहाँ पे डिस्कवर हुए थे उनकी जो लेयर्स थी, स्ट्रेटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको इम्पोर्टेंट समझा कि स्ट्रेटिफिकली उसको स्टडी किया जाना चाहिए रादर देन इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। द फ्रंटियर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं नेशनल बाउंड्रीज की, तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे टेरिटरीज थी उनमें और आज में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। और अब जो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन की वजह से बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट्स थी जो पाकिस्तान में चली गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑल्सो नो हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। Over the decades, new issues have surfaced. Some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence. So basically, हम यहाँ पे ये discuss कर रहे हैं कि जो different archaeologists थे, उन्होंने different perspective से इन सारे जो evidences हैं, उनको study किया। वो किसी न किसी एक particular direction में जाना चाहते थे। तो जो उसके बाद वाला आने वाला जो time था, उसमें जो archaeologists थे, उन्होंने वो इस चीज के लिए बहुत keen थे, उनको बहुत interest था कि कल्चरल सीक्वेंस बनाई जाए इन सारे एविडेंसेस से जो भी डिस्कवर हो रहे थे। अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी लॉजिक अंडरलाइन द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि ये जो डिफरेंट साइट्स डिस्कवर हुई थी तो इनके पीछे लॉजिक क्या था कि उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे वहां सेटलमेंट की गई थी या एस्टेब्लिश की गई थी सेटलमेंट। सिंस द 1980s देयर हैज ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हरप्पन आर्कियोलॉजी। इंटरनेशनल लेवल पे भी 1980s ऑनवर्ड काफी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आर्कियोलॉजिस्ट का हरप्पा के प्रति, और काफी उसमें स्टेप्स उठाए गए। जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो ये जो भी पूरा का पूरा डिस्कवरीज हुई या एक्सक्वेशंस में जो भी एविडेंसेस पाए गए उन सबको इकट्ठा मिलाना, ये जो डिफरेंट पीसेस थे उनको टुगेदर करना, उनको इकट्ठा करना, इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी जो फेस की गई। सो प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन भी आप इसको कह सकते हो। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या से यहाँ पे स्ट्रेटेजीज फॉलो की। क्लासिफाइंग फाइंड्स, मतलब जो भी ये फाइंडिंग्स थे, जो भी मिल रहा था उसको क्लासिफाई करना, उसको कैटेगराइज करना डिफरेंट उसमें फॉर्म्स में, ताकि उसको उसी
तरीके से स्टडी किया जा सके. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. मतलब जो ये आर्टिफैक्ट्स थे या जो भी एविडेंसेस मिल रहे थे, इनको इनका मिल जाना तो बस एक शुरुआत थी. आर्कियोलॉजिस्ट 10 क्लासिफाइड देयर फाइंड्स. उसके बाद इन सब फाइंडिंग्स को क्लासिफाई किया गया. क्या तरीके फॉलो किए गए क्लासिफिकेशन के? जैसे एक तरीका फॉलो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से वो चीजें बनी थी. मेटल की थी, स्टोन की थी, क्ले की थी, शेल्स की थी, तो अलग अलग उसको कैटेगरी में बांटा गया. सो वन प्रिंसिपल विच वॉज फॉलोड वॉज इन टर्म्स ऑफ मटीरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी एटसेट्रा. तो जिस मेटल की बनी थी, हर सेम मेटल की चीजों को एक कैटेगरी में डाल दिया गया. नेक्स्ट वॉज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. दूसरा था कि उस वक्त उन्होंने क्या फंक्शन परफॉर्म किया होगा उन सारी चीजों ने. सो फंक्शन के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया. जैसे क्या ऐसी चीजें थी जो कुकिंग के काम आती रही होंगी, या कोई ऐसी चीजें थी जो किसी कम्युनिकेशन पर्पज के काम आती रही होंगी, तो उनका फंक्शन क्या था. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स, बीड, स्टोन्स, पॉट्स एटसेट्रा. और उसी तरीके से ऐसे वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज भी देखा जा सकता है कि वो आज भी यूज की जा रही है. तो आज का जो उनका यूज है उससे भी उनको रिलेट किया गया. प्रेजेंट टाइम्स की वो वाली जो चीजें थी, उनके जो फंक्शन उस वक्त थे और जो उनके फंक्शन आज है, उनको भी रिलेट करके स्टडी करने की कोशिश की गई. समटाइम्स दे हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस. कई बार ये भी होता था कि किसी चीज को डायरेक्टली वो रिलेट नहीं कर पाते थे किसी चीज से, बट इनडायरेक्टली दो तीन चीजों के बीच में उनको कनेक्शन बनाना पड़ता था, तब जाके वो कह पाते थे कि उस वक्त कैसे कल्चर रहा होगा या लाइफ रही होगी. वो क्या था, फॉर इंस्टेंस, दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हरप्पन साइट्स, टू फाइंड आउट अबाउट क्लोदिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शंस इन स्कल्पचर्स. तो जैसे हालांकि ये एविडेंसेस पाए गए कि कुछ ऐसी साइट्स थी जहां पे कॉटन भी ग्रो किया गया होगा, लेकिन क्या उस कॉटन से कपड़ा बनाया गया था और उसको यूज किया गया था, उस चीज को रिलेट करने के लिए स्कल्पचर्स के ऊपर भी डिपेंड किया गया. तो जो भी मूर्तियां थी, जो भी स्टेचूज थे, वो बनाए गए थे, तो उनने क्या पहना, उसमें दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, उसके चीज पे उसको रिलेट किया गया. तो आप ये कह सकते हो कि इसमें पूरा हम इस चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट साइट्स डिस्कवर हुई, तो उन साइट्स में किस तरीके के एविडेंसेस पाए गए और उन एविडेंसेस को रिलेट करके आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से एक हिस्ट्री बनाने की कोशिश की, पास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग वन मार्क क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू राइट देयर ऑन द बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट. लेट्स हैव अ क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स नाउ, एंड दीज आर ऑल वन मार्क क्वेश्चन. आई हैव रिटन 20 क्वेश्चन हियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हरप्पा. वेर वर वॉटर रिजर्वॉयर्स फाउंड, वॉटर रिजर्वॉयर्स कहाँ पे पाए गए थे, एंड द आंसर इज धोलावीरा. नेम द साइट वेयर मोस्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हैपेंड, ज्यादातर क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे हुई, एंड द आंसर इज चानू दारो. हाउ मेनी वेल्स वर डिस्कवर्ड, 700 वेल्स वर डिस्कवर्ड. एट विच साइट द एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड हैड बीन फाउंड, मतलब एक खेती किया हुआ, मतलब एक खेत पाया गया, जुता हुआ खेत, उसके जो एविडेंसेस पाए गए वो कौन सी साइट पे पाए गए, एंड द आंसर इज काली बंगल. बोन्स ऑफ विच एनिमल्स वर फाउंड एट हरप्पन साइट्स, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां पाई गई, जैसे कैटल में शीप है, कैटल, शीप, उसके बाद आप कह सकते हो पिग्स, ये सारे जो थे एनिमल्स जिनकी बोन्स पाई गई. हाउ कैन यू से दैट हरप्पन्स बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, आप कैसे कह सकते हो कि हरप्पन्स जो थे वो इस चीज में बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ होती है. तो ये कहा जा सकता है, इस बात से प्रूव होता है कि जो कुछ ग्रेव्स पाई गई, उन ग्रेव्स में पॉटरी पाई गई और ऑर्नामेंट्स पाए गए, इससे ये बिलीव किया गया. एट विच साइट्स द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन फाउंड, टेराकोटा से बने हुए जो हल थे वो कौन से वाली साइट्स पे पाए गए, एंड द आंसर इज चोलिस्तान एंड बनावली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच हरप्पन साइट्स ट्रेसेस ऑफ केनाल्स. So at which Harappan site traces of canals have been found, and the answer to this question is Shortugai in Afghanistan. Name two cities which were first to be found, and the answer is Harappa and Mohenjo-daro.
name any two structures found at Harappan site. So जैसे कि ग्रेट बाथ एक स्ट्रक्चर था जो पाया गया और लोअर टाउन और भी एक दो लिखे हुए हैं बुक में आप वो भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ था क्या. सो ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक एंड इट वाज इन अ कोर्टयार्ड व्हिच वाज सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज लैपिस लाजुली एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज It was a blue stone with very high value. From where did copper and gold was brought? Copper and gold कहाँ से लाया गया? So copper was brought from Khetri in Rajasthan and gold was brought from South India. Which materials were used to make beads? Beads बनाने के लिए कौन से material थे जो use किए गए थे? And the answer is carnelian, quartz, copper, shells, etc. और भी materials के name लिखे हुए आप वो भी लिख सकते हो. Who was the first Director General of Archaeological Survey of India? And the answer is Kalinga. मैंने यहाँ पे full form लिख दिया. Otherwise there can be a question. What is the full form of ASI? So Archaeological Survey of India. Who became the Director General of ASI in 1944? And the answer is R.E.M. Wheeler. Give one feature of Harappan writing style. Harappan writing style का कोई एक feature आप लिख सकते हो यहाँ पे. इसमें आप लिख सकते हो that the script was written from right to left. Next is in which two categories the artifacts were classified into. किन दो categories में artifacts को classify किया गया या categorize किया गया. So there were items of utility and the items of luxury. So दो categories थी utilitarian items and luxurious items. In which pattern the roads and streets were laid down. किस pattern में roads and streets को lay down किया गया था. And the answer is the roads and streets were laid down in the grid pattern. तो उसमें जिसमें वो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पे. सो दीज आर 20 क्वेश्चंस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके जो आंसर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ तो आप वहां से उनके आंसर्स लिख सकते हो. सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू सो मच.